अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं राना दानुदर सर और हमारी वीडियो का टॉपिक है, अगर आप बैरियर टाउन कराची के रहायशी हैं तो आप ये चंद एक काम है जो लाजमी कर लें। उसमें सबसे पहले तो ये कि सेफ्टी सिक्योरिटी का आंसर काफ़ी अहम होता है, और मैं हमेशा अपने कस्टमर्स को, दोस्तों को ये चीज़ बताता रहता हूँ, डिस्कस करता रहता हूँ कि अगर आप लोग बैरियर टाउन के रहायशी हैं तो आपको अपनी सेफ्टी ग्रिल्स लाजमी इंस्टॉल करनी चाहिए, जो कि आप लोगों के घरों में, क्योंकि विलास इतने ज़्यादा सिक्योर वे में बैरियर टाउन ने नहीं बना के दिए, क्योंकि उसके बाउंड्री वॉल नहीं है या इस तरह से उसको देखना पड़ता है कि आप लोग जो विंडोज़ पे, मेन गेट पे वो सेफ्टी ग्रिल्स लाजमी इंस्टॉल कर लें आप लोग। अगर सेफ्टी ग्रिल्स वगैरह आप लोग इंस्टॉल नहीं करते तो फिर आप लोग चंद दिन के लिए वेकेशंस पे जाते हैं या आउट ऑफ बैरियर टाउन जाते हैं, घर लॉक करके जाते हैं, तो महज एक पतली सी जाली लगी हुई है और शीशा लगा हुआ जो कि बड़ी आसानी से टूट सकता है, और फिर बहुत सारी चोरी चकारी होती है यहाँ की, मतलब ऐसे लोग आपको नुकसान पहुँचाते हैं जो आपकी शायद ख़बर में भी रहते हैं, और जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स भी करते हैं कि यहाँ पर जो काम करने वाली लेबर या अमला, वो सैनिटरी का सामान तक भी चोरी हुआ है, और फिर जो हंसते बसते घर हैं तो उसमें और काफ़ी ऑथेंटिक चीज़ें होंगी जो चोरी हो सकती हैं। तो ये चीज़ें सारी आपने ख्याल करना, नंबर वन के सेफ्टी ग्रिल्स लगवा लें, नंबर दो सोलर पैनल्स, अगर आप लोग बैरियर टाउन के रहायशी हैं तो यहाँ पे बिजली महंगी है या सस्ती, इसके बारे में भी कमेंट होता है कि लाइट काफ़ी ज़्यादा महंगी है, इलेक्ट्रिसिटी महंगी है, पर यूनिट हमें ज़्यादा कॉस्ट किया जाता है, तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने ऐसे स्मार्ट डिसीजंस लिए हुए हैं कि वो सोलर पैनल्स इंस्टॉल करवा लेते हैं। नंबर तीन, सिक्योरिटी कैमराज इंस्टॉल करवा लें आप लोग, अगर आप लोग बैरियर टाउन में किसी अपार्टमेंट में, किसी विला में या प्राइवेटली जो बिल्ट आपके हाउसेज हैं उसमें रह रहे हैं, आप लोग कैमराज इंस्टॉल करवा लें, ये भी आपके लिए बेहतर होगा। फिर इसके बाद एक पॉइंट ये भी आता है कि अगर बारिशों के मौसम में आपने छत को पक्का करवाया है या नहीं करवाया, ये भी काम है, क्योंकि बैरियर टाउन ने जो आप लोगों को घर बना के दिए हैं या किसी प्राइवेट बिल्डर ने भी बनाया, तो उसकी छत को ऑलमोस्ट कच्चा छोड़ा जाता है, जो हम लोग अपनी टर्मिनोलॉजीज में बात करते हैं, उसके ऊपर मार्बल या टाइल लगनी चाहिए। आप लोग इन चीज़ों के ऊपर भी ज़रा थोड़ी सी तवज्जो दें और वर्किंग कर लें कि आप लोगों को छत पे मार्बल ये टाइल लगवानी चाहिए, और हीट प्रूफिंग का ये प्रोसेस भी आप इसको कह सकते हैं कि हीट प्रूफिंग करवा लें, ताकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी आ रही है, गर्मी का मौसम है, तो उसमें भी आप लोगों के लिए ये बेहतरी रहेगी। मुख्तलिफ घरों में दीमक लग जाता है, दीमक कंट्रोल स्प्रेज मिलते हैं और बहुत सारी इस तरह की पेस्टिसाइड्स हैं, सोल्यूशंस हैं, ये चीज़ें आप लोग लाजमी करवा लें। और इसके अलावा यहाँ पे जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन का भी बैरियर टाउन ने इंतज़ाम किया है, अब ऐसे लोग जो अभी फ्यूल काफ़ी महंगा हो गया और लोग कहते हैं कि हम लोग अपनी गाड़ियों पे विद इन बैरियर टाउन भी अगर ट्रैवल करते हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता, तो आप लोग बैरियर टाउन के रेजिडेंट कार्ड्स बनवा लें, क्योंकि बैरियर टाउन के रेजिडेंट कार्ड बनवाएंगे, आप बैरियर टाउन में किराएदार की हैसियत से रह रहे हैं या मालिक मकान है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, तो दोनों सूरतों में आप लोगों के रेजिडेंट कार्ड्स बनते हैं, जिसमें आपके दो फायदे हैं, एक तो आप लोकल ट्रांसपोर्ट जो यूज़ करेंगे उसमें आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है, और बैरियर टाउन ने ऑफिशियली काफ़ी अच्छी बस सर्विस दी है जो लोकल ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर आप लोग ऑथेंटिक वे में सारी ट्रैवलिंग कर सकते हैं, और बड़ी ज़बरदस्त है। इसके अलावा मेन गेट से जब एंट्रेंस एग्जिट लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग आप लोग करते हैं, तो फिर रेजिडेंट्स के लिए एक पैसेज अलग से बना दिया गया है, और उसमें फिर आप लोगों को रोज़ वेरीफाई या ये चीज़ें नहीं करनी पड़ती, और वैसे भी एक सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ये अमल है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट ये कि अगर आप लोगों ने अपने घरों में कोई मुलाजमीन रखने हैं, या इवन ऐसे मुलाजमीन भी जो वंस इन अ मंथ आपको विज़िट करते हैं या वीकली विज़िट करते हैं, जिस तरह घर का माली हो, या आप लोगों ने अपने काम वाली मासी से लेके कोई भी जो आप लोगों ने अपने ड्राइवर्स, मुलाजमीन कोई भी रखे हुए हैं, उनका रिकॉर्ड बैरियर टाउन में लाजमी दर्ज करवा दें, ताकि आप लोग सेफ़ एंड सिक्योर फील करें। ये सारी वो चीज़ें हैं कि अगर आप बैरियर टाउन में रह रहे हैं तो आप लोगों के लिए ऐसे सारे एहतियाती तदाबीर के काम हैं जो लाजमी करने चाहिए। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को कहूँगा कि अगर आप लोग थोड़े से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं या ऑलरेडी हैं, तो आप लोगों को यूट्यूब चैनल लाजमी बनाना चाहिए,
जिसमें आप बहरिया टाउन से मुतल्लिक चीज़ों को अपलोड कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। इस ये मशवरा आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, अमल करें या ना करें वो आपकी अपनी इसमें ऑब्वियसली मर्जी होगी, आपका अपना फ़ैसला होगा। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि आप रियल स्टेट में लाजमी इंटरेस्ट लें। अगर आप बहरिया टाउन कराची के रहायशी हैं और आपका रियल स्टेट में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर मैं कहूँगा कहीं ना कहीं आप लैक कर रहे हैं। आपको यहाँ की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ की प्राइस और चीज़ों का हाव नाव होनी चाहिए, क्योंकि एक तो आप ख़ुद भी यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट के ज़रिए हल्की फुल्की भी अगर करते रहेंगे, डिफरेंट ट्रेंड्स को जानते रहेंगे, तो आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और इसके पैरेलल अगर कोई आपकी फैमिली में, फैमिली फ्रेंड्स में, हर किसी का सोशल सर्कल होता है, आपके सोशल सर्कल में कोई भी बाइंग करना चाह रहे हैं और आप उनको सर्विसेज देते हैं, तो यहाँ पे काम करने वाले एजेंट्स को इन्वॉल्व करके, इन्वॉल्व किए बग़ैर आप बहुत ऑथेंटिक वे में ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं। और बल्कि जो यहाँ रहते हैं, यहाँ के रिहायशी हैं बहरिया टाउन के, उनके लिए तो हेड ऑफिस का सारा प्रोसेस और ज़्यादा इजी। अगर आप लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी खरीदते वक्त या बेचते वक्त ये सारा प्रोसेस किया होगा, तो आप लोगों के लिए तो ये और आसान है। तो लिहाजा नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो यहाँ तक मुकम्मल होती है, क्योंकि सामने ग्रैंड मस्जिद आ गई है। मेरी नेक्स्ट बड़ी खूबसूरत एपिसोड आ रही है, वो लाजमी देखिएगा, वो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। अभी तक के लिए इजाज़त दें। मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। मेरा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बड़े मुफीद मशवरे देता रहता हूँ। इंशाल्लाह आपके साथ रबते में रहेंगे। थैंक यू सो मच।